हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। आपको पता ही है दोस्तों, RS 200 नेक्स्ट जनरेशन का इंडियन मार्केट में कितने दिनों से इंतज़ार किया जा रहा है, बट फिलहाल अभी तक इस बाइक को इंडियन मार्केट में नहीं लाया गया है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं, कब तक RS 200 इंडियन मार्केट में आ सकती है, आने के क्या चांसेस है, प्लस बाइक में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं अपकमिंग बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं अपकमिंग बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि नई वाली RS 200 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों, बजाज पल्सर RS 200 में जो सबसे पहला चेंज होने वाला है, वो होने वाला है दोस्तों इस बाइक की लाइट्स में। अब देखिए, लाइट्स में आपको बताया कि अभी भी आप लोगों को RS 200 में नॉर्मल हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलता है, बट अब जमाना कहीं ना कहीं आपको बताया LED प्रोजेक्टर लाइट तक पहुँच चुका है। तो बजाज वाले इवन वे खुद अपनी N160, N250, F250 में LED प्रोजेक्टर लाइट दे चुके हैं, बट इन्होंने RS में फिलहाल अभी तक अपडेट नहीं किया। सो दोस्तों, RS 200 में जो सबसे पहला चेंज होने वाला है, वो यही होने वाला है दोस्तों, कि अब आप लोगों को बाइक में LED प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेगी, जो कि RS 200 का सबसे पहला और मेजर अपडेट आपको बाइक में मिलेगा। बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक की इंजन में। अब देखिए, इंजन में ऐसा है कि ऑलरेडी आपको RS 200 में जो इंजन देखने को मिलता है, वो बहुत बेहतर इंजन देखने को मिलता है, नो डाउट बाइक का जो इंजन है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, टाइम के साथ अपडेट की भी ज़रूरत है। अपडेट का तो पता नहीं, लेकिन एक अपडेट ज़रूर होगा, स्लीपर क्लच। आपको बता दूँ, RS 200 में फिलहाल अभी तक आपको स्लीपर क्लच देखने को नहीं मिलता, बट दोस्तों 110% जब ये अपडेट होकर आएगी तो बाइक में आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बाइक में मिलने वाला है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का स्पीडोमीटर। जो दोस्तों स्पीडोमीटर में भी आपको नया अपडेट देखने को मिलेगा। अब स्पीडोमीटर में क्या अपडेट मिलेगा, देखिए आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, स्पीडोमीटर में बाइक में आप लोगों को फिलहाल अभी तक बाइक में गियर इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप लोग फिलहाल अभी ये उम्मीद नहीं करना कि बाइक में आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, इसके जो चांसेस है वो थोड़े से कम है। बट ये ज़रूर मैं श्योर हूँ कि बाइक में आपको अपडेट में स्पीडोमीटर में गियर इंडिकेटर प्लस आपका एरिस फ्यूल इकोनॉमिकेटर के इंडिकेटर जरूर देखने को मिल सकता है। बाकी चीज़ों की गारंटी नहीं है, बाकी ये चीज़ जरूर आपको बाइक में मिलेगी। बात कर ले दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट को लेकर, तो है दोस्तों इस बाइक का कलर प्लस ग्राफिक। अब आपको बताइए यार, कोई भी कंपनी जब बाइक में काम करती है तो नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन में ज़रूर काम करती है। सो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बाइक में आपको नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन 110% देखने को मिलेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है इस बार बजाज से कि ये लोग थोड़े ढंग के ग्राफिक लाएंगे, क्योंकि अभी तक इसमें जो ग्राफिक आया भाई, वो लोगों को बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं आया है। बट ये वाली बाइक में आपको ज़रूर एक अच्छा खासा ग्राफिक जो है बाइक में देखने को मिल जाएगा। आप देखते हैं बजाज नेक्स्ट जनरेशन जैसा निकालता है या नहीं निकालते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट को लेकर, तो भाई दोस्तों इस बाइक की टेल लाइट। देखिए, टेल लाइट को भी लेकर काफ़ी सारे अपडेट आए थे बीच में कि बजाज इसकी टेल लाइट में काम करेगा, कुछ चेंजेस करेगा, बट फिलहाल दोस्तों उसके लिए कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुझे ये लगता है कि बजाज जो टेल लाइट है वो उसमें ज़रूर थोड़ा सा काम करेंगे। मुझे लगता है कि इसकी बाइक की जो टेल लाइट है वो उतनी ज़्यादा शार्प नहीं लगती जितनी ज़्यादा इसे शार्प होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों बाइक की आपको जो टेल लाइट है वो थोड़ी बेटर देखने को मिल सकती है, और हो सकता है बजाज जिसमें आपको थोड़ी सी शार्प डिज़ाइन देने की कोशिश कर सकता है। बात कर ले दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों बाइक में USD फॉक सस्पेंशन। अब आपको पता ही है दोस्तों कि RS 200 एक फेयरिंग स्पोर्ट बाइक है, और RS 200 का इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा जो कंपटीटर बाइक है वह दोस्तों यामा की RN5 V4। देखिए, RN5 V3 में जब तक भाई यहाँ पे अपना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता था, तब तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब से दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे RN5 वालों ने V4 लाया, और V4 में अपसाइड डाउन सस्पेंशन यानी कि दे दिया USD फॉक्स सस्पेंशन, तो मुझे लगता है दोस्तों बजाज वालों को भी बहुत जल्द अपनी RS 200 में भी अपसाइड डाउन यानी कि USD फॉक्स सस्पेंशन देना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट रखता है बजाज वालों के लिए।
बात कर ले नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम। अब देखिए ब्रेकिंग में ऐसा है कि ब्रेकिंग में ऑलरेडी आपको बाइक में जो ब्रेकिंग देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बाइक में आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। बट यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम लगती है, प्रॉब्लम ये लगती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट में अभी RS 200 में जो ब्रेकिंग है उसमें 4 पिस्टन कैलिपर्स आना चाहिए। 2 पिस्टन कैलिपर्स जो है उनका जमाना जा रहा है, अब इनको 4 पिस्टन कैलिपर्स में काम करना चाहिए, जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बाइक में देखने को मिल सकता है। बात कर ले दोस्तों बाइक के लॉन्च डेट प्लस प्राइस के बारे में। अब दोस्तों लॉन्च डेट में ऐसा है कि आने वाले 2023 के मई जून महीने में आप लोगों को नई वाली RS 200 इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्लस प्राइस के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी ये एक्स रूम प्राइस 1,72,000 रुपीज़ के आसपास की आती है, जब उसके बाद ये आई थिंक 180 के आसपास की एक्स रूम प्राइस जा सकती है। बाकी दोस्तों कौन कौन इस बाइक का वेट कर रहा है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।